ये तो आपको पता है कि एयरटेल और जियो ये दोनों सिम जो है अपना रिचार्ज का दाम जो है बढ़ा चुका है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हमेशा के लिए एयरटेल और जियो सिम को जो है अलविदा किया जाए। आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हो कि BSNL अपना 5G जो है लॉन्च कर चुका है। अगर आप पहली मरतबा एयरटेल और जियो से BSNL में जाते हो, पोर्ट कराते हो, तो आपको एक महीने तक का रिचार्ज जो आपको फ्री में मिलेगा। उसके बाद जब भी आप अपने पैसे के रिचार्ज करवाओगे, तो अगर आप नेट का रिचार्ज करवाना चाहते हो तो ₹160 में जो है आपको अनलिमिटेड कॉल और जो है 2GB डाटा आपको एक महीने तक के लिए मिलेगा। अगर आप सिर्फ ऑडियो कॉल का रिचार्ज करवाना चाहते हो तो सिर्फ ₹100 में आप जो है एक महीने तक के जो है ऑडियो कॉल का रिचार्ज करवा सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अभी हमारे देश में जो है 25% एयरटेल और जियो यूजर्स जो है अपना सिम का पोर्ट जो है BSNL में करवा चुका है। क्या आप अपने नंबर को BSNL में पोर्ट करवाना चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो, कॉमेंट करके जरूर बताना। पे आप देख रहे हैं BSNL के 5G फोन। BSNL का 4G सिग्नल आया नहीं, मगर BSNL की 5G सिम बिकना चालू हो चुकी है। ₹30 में आपको 2 महीने अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा। पहले जियो आया, सबको नाश दिया, पूरे जगह फैल गया, टाटा के अंदर अंदर प्राइस बढ़ा देगा। जियो किसका है? मुकेश अंबानी आना नहीं लंबानी का, रिलायंस चौपट हो गया, जियो मार दिया बाजी। तो कहा कि भाई पहले हमको इसमें आने तो दो, तब हम फ्री किए थे। अब कहा रिलायंस जियो ने कि भाई बहुत दिन फ्री दे लियो हम, आप कुछ तूफानी करते हैं। कर दिया तूफानी, जियो बढ़ गया। ये दाम एक के साथ बढ़ाया सब कि नहीं बढ़ाया सब? आप कहिए तो नहीं जियो को कम करें। ये फिर आने वाले वक्त में 28 दिन वाले पे आएंगे सब। इतना गुटबाजी बनता है कि साल में कितने 12 महीने, लेकिन इन सब ने मिलकर 13 महीना आटा दिया। कितना आटा दिया? 13। रिचार्ज कीजिएगा तो एक महीना का नहीं, 28 दिन, 24 दिन कर दिया। तो कौन महीना कर दिया? 14 महीना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इतना ज्यादा इन लोग की क्या बाजी थे? गुटबाजी।